शर्मा और डाबर, कितने अपसाइड टारगेट्स आए इन दोनों स्टॉक्स पे? देखिए, सन फार्मा केस में सिर्फ एक बियरिश रिपोर्ट है, 420 का टारगेट दे रही है, लेकिन बाकी बुलिश है। और एक तो सुपर बुलिश रिपोर्ट है जो 700 के ऊपर के भी टारगेट दे रही है, वो है सीएलएसए की। 710 का टारगेट है, मॉर्गन स्टैनली 611, नमूरा 623, क्रेडिट स्विस अलग ही 420 है, लेकिन फिर भी मेजर रुझान जो है वो ऊपर की साइड ही है। और सबकी कमेंट्री, इनफैक्ट ये 420 वाले टारगेट्स की भी कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है। सबने कहा कि स्पेशलिटी कारोबार जो इनका बहुत स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा है और वो शायद आगे भी परफॉर्म करेगा, और सभी ने एक सुर में स्पेशलिटी कारोबार की बातचीत की है और ये बात कहा है कि ये शायद आने वाले समय में एक बड़ा गेम चेंजर निकले हो सकता है। मेजरली एबिटा एस्टिमेट्स जो है वो चेंज किए गए हैं 2-5% के आसपास तक के सभी ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। इलुमिया और ओडोमजो जो इनकी दो दवाइयां हैं, उनका प्री कोविड लेवल पर सेल्स आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उनको लगता है कि शायद ये और ज्यादा बेटर होगा सेकेंड हाफ तक आते आते। और मेजरली पीबीटीज के जो लेवल हैं वो करीब 20-22% के आसपास बढ़े हैं और आगे चल के इसमें ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री मेंटेन रहेगी। तो सन फार्मा के लिए बहुत बुलिश रिपोर्ट्स ब्रोकरेज हाउसेस तरफ से हैं। दूसरी आपने बात की डाबर की, और डाबर पर भी जो रिपोर्टर में सीएलएसए अव्वल है, करीब 620 रुपए का टारगेट दे रहा है। वीरू, ये बात कल स्टूडियो में हेमंत को भी सरप्राइज लगा था कि 16% का वॉल्यूम फिगर कैसे आ गया, और सभी ब्रोकर आज ही सुर में ये बात कह रहे हैं कि 5-6% मैक्सिमम 8% का एस्टिमेट था, 16% का वॉल्यूम ग्रोथ सरप्राइज है। इसीलिए सबके टारगेट्स भी 550-600 के आसपास आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रूरल ग्रोथ स्ट्रांग है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है, हेल्थ केयर सेगमेंट, ओरल केयर सेगमेंट आउट परफॉर्म करके गया, वो शायद आगे भी आउट परफॉर्मेंस रहेगी, इसीलिए सबकी तरफ से बड़े टारगेट्स डाबर में आए हैं। आई थिंक जेफरीज का बहुत सब्सटेंशियल अपसाइड टारगेट है यहां पर। मोस्ट 500 रुपए वीरेंद्र टारगेट अपने दे रहे हैं, 475 रुपए के आसपास के उनके टारगेट्स हैं, और मेजरली सभी ने ऊपर की साइड पे ही इसके टारगेट्स दिए हैं। बाय साइड की रेटिंग है, 425, 440, 470, 475, इस तरह के टारगेट्स आ रहे हैं। और कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है, सबने ये बात साफ की कि जो कंटेनर वॉल्यूम है वहां पे एक अच्छा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा है, और कंटेनर के साथ साथ क्रूड वॉल्यूम के अंदर सुधार आ रहा है। कोल कारोबार थोड़ा सा अभी जरूर सब ड्यूड है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड यहां पर नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। और हाँ, कीमतें बढ़ाई हैं, उसका बेनिफिट अगली तिमाही के अंदर आएगा। एचपीसीएल के साथ एक टाई अप किया है, उसका बेनिफिट अगली तिमाही के अंदर आएगा। और गोइंग फॉरवर्ड इबीटा का जो अनुमान है वो भी बढ़ा है करीब 30% के आसपास। तो अच्छे नंबर्स, और उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स, और करीब करीब 475 के टारगेट, मौजूदा दाम 350 रुपए के आसपास। ऑलराइट, बढ़िया नंबर।